मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान है और मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह वीडियो रोज़ाना अपलोड करता रहता हूँ और आप लोग फ़ायदा उठाएँगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को नोकिया 150 RM 1190 इसका माइक वेज बताना चाहता हूँ कि अगर माइक का ये वाला जो पॉइंट्स है, अगर ये डैमेज हो जाए तो आप लोग कहाँ से लाइन लेके आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दरमियान वाला पॉइंट है, ये देखो, ये पहले यहाँ आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो सफ़ेद पॉइंट है ना, यहाँ पे आया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसी कैपेसिटर से। अगर ये भी डैमेज हो, ठीक है ना, अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि यहाँ पे पानी आ जाता है और ये कैपेसिटर वगैरह डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो गया तो आप लोग ये ऊपर वाला जो ब्लैक है ना, ये ऊपर वाला ब्लैक इस साइड से, ठीक है ना, आईसी की साइड से, इस साइड से भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर इससे नहीं हुआ तो आप लोग यहाँ से भी ये ऊपर वाला जो ये कैपेसिटर है, ये ऊपर साइड वाला, इससे भी लगा सकते हैं। और ये छोटा सा कैपेसिटर है, इससे भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये दूसरा जो पॉइंट है, ये दरमियान वाला नहीं, ये दूसरा वाला, ये बाहर वाला जो ग्राउंड होता है, ठीक है ना, माइनस होता है, ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ, ये कैपेसिटर, ये जो ब्लैक है, ये लेफ्ट साइड, इस साइड से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर इससे नहीं हुआ तो आप लोग ये नीचे वाले, ये ब्लैक ब्लैक जो रेजिस्टेंस है, आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर इससे नहीं हुआ, यहाँ तक अगर करंट नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहां से भी ये कैपेसिटर जो होता है ना, ये वाला, ये तीन कैपेसिटर है इसके, जो इस साइड वाला, राइट साइड वाला है, इसका जो नीचे पॉइंट है, इससे भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर इससे नहीं हुआ तो आप लोग ये छोटा सा कैपेसिटर जो है, ये राइट साइड का जो पॉइंट है, इससे भी आप लोग लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को माइक का मुकम्मल वेज बता दिया, ठीक है ना। अगर इस तरह जो है ना माइक का मसला आ जाए और उसका रीडिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे मीटर के ज़रिए से, अगर आप लोग इसको चेक करेंगे और रीडिंग नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस तरह जो है ना इसका लाइन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करना।